सारा प्रक्रिया होने के बावजूद ऐसे सड़क पे हम लोग घूम रहे हैं। मंत्री पहले कोई दूसरा थे, कुछ चेंज हो गया, डिपार्टमेंटली कुछ परिवर्तन हो गया, जिसके चलते ये खुद हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। अटकाने के पीछे कुछ परिवर्तन हो गया है, पहले सरकार थी दूसरा, अभी सरकार कुछ दूसरा है। जाने का तो मौका ही नहीं दे रही है सरकार, बेरोजगार है हम लोग, इससे ज़्यादा और कोई नाम ही नहीं है अभी हमारा। अब हम लोग को बस यही है सरकार से कहना है कि हम लोग का रिजल्ट दे दें। नमस्कार, मैं अनुशील ओझा और आप देख रहे हैं दृष्टि नाव। हम प्रोजेक्ट भवन के सामने खड़े हैं और यहाँ पर पंचायत सचिव के अभ्यर्थी भी खड़े हैं। 3 सालों से ये बता रहे हैं कि इनका सारा मेरिट लिस्ट क्लियर हो चुका है, लेकिन फिर भी इनको नियुक्ति नहीं दी गई है। किस कारणवश से हमारी नियुक्ति फंस गई है या लंबित हो गई, हमको समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग काफ़ी दिन से प्रयास कर रहे हैं, लाठी भी खाए, बहुत दिन से उम्मीद कर रहे हैं, सरकार से हमने मिला, बहुत सारे मंत्रियों से हमने मिला और सभी लोग आश्वासन पे आश्वासन दिए, इंतजार करने को बोले होगा, आज होगा, कल होगा। आज हम लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि प्रोजेक्ट भवन में आज हमारी नियुक्ति के बारे में कुछ चर्चाएं होगी, कुछ नियुक्ति के बारे में दिन तारीख बताया जाएगा। इसी कारण से हम लोग मांग के लिए आए हैं, ताकि सरकार को याद दिलाए कि मीटिंग से पहले पंचायत सचिव के बारे में कुछ निर्णय जरूर ले। आखिर ऐसा क्या हो रहा है, आखिर क्यों रिजल्ट अटका दिया गया है? 3 साल पहले आप लोगों का सारा विज्ञापन निकाला गया, मेरिट लिस्ट आप लोग क्लियर कर लिए, फिर भी आप लोगों को क्यों अटकाया जा रहा है? इसके अटकाने के पीछे कुछ परिवर्तन हो गया है, पहले सरकार थी दूसरा, अभी सरकार कुछ दूसरा है। मंत्री पहले कुछ दूसरा थे, कुछ चेंज हो गया, डिपार्टमेंटली कुछ परिवर्तन हो गया, जिसके चलते ये खुद हैंडल नहीं कर पा रहे हैं कि पहले का नियुक्ति को अब क्या करेंगे। काफ़ी विलम्ब हो चुका है, क्योंकि इसीलिए ये लोग आनाकानी कर रहे हैं, सरकार में आपसी तालमेल नहीं है। आपसी तालमेल नहीं है। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करें। क्या नाम होना है बताइए, नाम बनाने का तो मौका ही नहीं दे रही है सरकार, बेरोजगार है हम लोग, इससे ज़्यादा और कोई नाम ही नहीं है अभी हमारा। सारा प्रक्रिया होने के बावजूद ऐसे सड़क पे हम लोग घूम रहे हैं पागलों की तरह, पढ़े लिखे डिग्री धारक होकर। अब हम लोग को बस यही है सरकार से कहना है कि हम लोग का रिजल्ट दे दीजिए। अब इससे ज़्यादा हम लोग ना कुछ मांग रहे हैं, ना इससे ज़्यादा हमारा कुछ सरकार से कुछ रिक्वेस्ट करना है। हम लोग को बस यही कहना है कि हम लोग का जो भी प्रक्रिया बचा हुआ है, जैसे कि मेधा सूची जारी करना, उसको जारी कर हमारा जो नियुक्ति करते हैं वो हम लोग के हाथ में, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए सरकार से। क्या नाम हुआ मैम आपका? आज आप यहाँ पर धरने पर बैठी हुई हैं, इस धरने पर बैठने में क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको? दिक्कतें तो है, 3-4 साल से हम लोग को यही प्रॉब्लम है कि आज रिजल्ट आएगा, कल रिजल्ट आएगा, अभी तक रिजल्ट आया नहीं है। इससे पहले, इसके बाद वाला जितने भी वैकेंसी थे, सारे का प्रोसेस हो गया, सब ज्वाइनिंग भी कर लिए हैं, बट हम लोग का पंचायत सचिव आज नहीं, 2017 का वैकेंसी है, 2019 में सारा चीज़ कम्प्लीट हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक हो गया, उसके बाद अभी तक हम लोग इसी चीज़ को लेके कोर्ट भी दे दिए कि नहीं आप इनका मेरिट निकाल दीजिए, सरकार को बोलनी है कि आप अपना मतलब मेरिट निकाल दीजिए, बट अभी तक वो लोग सुन नहीं रहे। सारा चीज़ मतलब इतना प्रोसेस किए हैं हम लोग, हमेशा आंदोलन करते, बट हम लोग को कोई इसका कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है। आज कैबिनेट मीटिंग है, तो चाह रहे हैं कि हम लोग इस बात को लेके कैबिनेट में इस बात को उठाए और हम लोग का रिजल्ट दे। हम लोग का जो मेरिट लिस्ट है, बस मेरिट लिस्ट ही हम लोग को चाहिए, मेरिट लिस्ट दीजिए, उसका ज्वाइनिंग दीजिए, बस और कुछ नहीं कहना, बस यही चाह रहे हैं। धन्यवाद मैम। सुना आपने, ये पंचायत सचिव के अभ्यर्थी हैं जो 3 साल से अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, मेरिट लिस्ट में पास होने के बाद भी। धन्यवाद, मैं अनुशील ओझा और आप देख रहे थे दृष्टि नाव।